मैं लक्ष्मी सिंह सी लॉर्ड न्यूज की तरफ से स्वागत करती हूं आप सभी का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट न्यूज में। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिंदू महासभा ने शहीद दिवस के दिन गोडसे और आप्टे को दी श्रद्धांजलि। कल जब पूरा देश शहीद दिवस मना रहा था, गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा था, तब हिंदू महासभा ने गांधी जी के कातिल नाथुराम गोडसे और सह आरोपी नारायण आप्टे को गोडसे आप्टे स्मृति दिवस मनाकर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस दक्षिणपंथी संगठन ने कालीचरण महाराज और हिंदू महासभा के चार अन्य नेताओं को गोडसे आप्टे भारत रत्न से भी सम्मानित किया। पंजाब के सीएम दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी राज्य विधानसभा चुनाव में दो सीटों भदौर और चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे। रविवार को कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस ने भदौर से चन्नी की उम्मीदवारी की घोषणा की है। बता दें कि चमकौर साहिब चन्नी का घरेलू मैदान है, जबकि भदौर संगरूर जिले में आता है। आम आदमी पार्टी के भागवत मान संगरूर की धूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर में बस के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा। कानपुर के टाट मिल चौराहे पर एक इलेक्ट्रिक बस अनियंत्रित हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे में बस की चपेट में आने से 3 कारें और कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस का कहना है कि चालक फरार है, लेकिन तलाश अभी जारी है। आज पेश होगा बजट का प्रीक्वल आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। आज यानी 31 जनवरी सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्रालय संसद के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत करेगा। यह सर्वेक्षण देश की आर्थिक सेहत के राज खोलेगा। बता दें कि यह सर्वे यह बताता है कि देश ने आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग फिजिकल रैलियों और रोड शोज पर करेगी बैठक। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज चुनाव आयोग एक बैठक करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या 5 राज्यों में फिजिकल रैलियों पर बैन जारी रहेगा। बता दें कि 31 जनवरी तक चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों और रोड शोज पर बैन लगा दिया था। 11 बजे होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव के शामिल होने की उम्मीद है।